अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपको मैं बताऊंगा कि हॉर्स राइडिंग करते किस तरह है। सबसे पहले सम बेसिक थिंग्स जो आपकी ज़रूरत है, हेलमेट, इसके बगैर राइडिंग जो हवा रिस्की है। एंड सेकेंड, राइडिंग शूज़, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको पहनना, इनको जो है वो लाजमी करार दिया गया राइडिंग के लिए, इनको पहने। इस तरह कोरोना के लिए मास्क को ज़रूर रखें। और माउंट करने का तरीका जी, आपने अपने लेफ्ट जो लेग है सैडल में डालनी है, ठीक है, इसमें घोड़े को पकड़ना है। एंड दिस इज हाउ यू सिट, ये माउंट करने का तरीका है। एंड दिस इज हाउ ये माउंट, बिगिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जब राइड करें तो रेंस को दोनों हाथ से पकड़ें, अपने जो नीज है इनको जितना प्रेस कर सकते हैं प्रेस करें, बिकॉज ऑल दे हैव टू डू इज ग्रिप। तो उसकी ग्रिप यहाँ से ज़रूरी है, जितनी ग्रिप यहाँ से करेंगे उतना जो है ये आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा और आप गिरने नहीं देगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस। अगर आप अनबैलेंस हो जाएंगे तो आप किसी भी वक्त गिर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिप करनी है, ग्रिप कर ली तो यू वॉन्ट बी एबल टू फेल फ्रॉम द हॉर्स। सेकेंडली, आप जब सैडल में पाँव डाल लें तो पाँव की जो एड़ी है उसको नीचे को ऐसे पुल करके रखें ताकि वो आपको नीचे रखे, बैलेंस रखे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस समय घोड़े पे नहीं बैठे हो, गाड़ी पे बैठे हो। वो कैसे? इसकी रीज़न ये है कि जब आप इस पर बैठ गए हैं, समझें कि आपने चाबी से गाड़ी स्टार्ट कर दी हुई है। अब आपने गियर लगाना है, एक्सीलेटर जो है प्रेस करना है, ब्रेक प्रेस करनी है। घोड़े की जो ब्रेक है वो आप इन रेंस को पकड़ी, ये रेंस आपकी लाइफ है, ये आपका स्टेयरिंग है। आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट होगा, राइट करेंगे तो राइट होगा। लेकिन इसको अगर आप पुल करेंगे पीछे को तो ये रुक जाएगा, लेकिन ज़्यादा पुल करेंगे तो ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा, ठीक है। अब जी मैं पहला गियर लगाऊंगा, पहला गियर मैं इसलिए लगाऊंगा, आई विल स्लाइटली किक, ये मैं किक करूंगा, ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको लेफ़्ट करना है तो मैं इसको लेफ़्ट करूँगा, बट आई विल किक राइट, ठीक है, आई एम किकिंग इट राइट। और मैंने अगर राइट करना तो मैं लेफ़्ट किक करूँगा, लेफ़्ट राइट हो गया, ठीक है। मैं इसको लूज़ रखूँगा ताकि ये चले, मैं रोक खींचूँगा तो ये रुक जाएगा। जब थ्री काइंड ऑफ फाइटिंग, फर्स्ट इज़ वॉक, ये अभी हम वॉक कर रहे हैं, थोड़े को मैं भी आराम आराम से वॉक कर पाऊँगा ताकि ज़रा ये स्ट्रेचिंग करे, नॉर्मल हो जाए, इसकी जो है लेंथिंग हो जाए, स्ट्रेच करेगा। सेकेंड थिंग इज़ ट्रॉट, ट्रॉट जैसे ट्रॉट, आप इसमें बम्पिंग करते हैं, ठीक है, इसमें घोड़ा आपको बम्प करवाता है, दिस इज़ हाउ यू बम्प, ट्रॉट इस तरह करते हैं। ये बड़े फ़ायदेमंद है आपकी बैकबोन के लिए, ठीक है। नाउ इट्स कैंटर, कैंटर होता है एक घोड़ा दो टांगों पर भागता है। नाउ आई विल शो यू कैंटर, ड्यूरिंग कैंटर ऑल यू हैव टू डू इज सिट एट द बैक। आप जितना जो है पीछे बैठेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे। फॉलोइंग से सर्टेन थिंग्स को फॉलो करके आप हॉर्स राइडिंग सीख सकते हैं। ये स्टेप्स हैं, ठीक है, और ये एक दिन में नहीं आते। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। ये एक ऐसा जानवर है जो बहुत सेंसिबल है लेकिन ऑन द अदर साइड बहुत एग्रेसिव भी है। तो ऐसे जानवर को टैकल करने के लिए आपने दिमाग से काम करना होता है, उसको समझना होता है, उसकी साइकी समझनी होती है कि वो इस टाइम आपको क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। फिर आपने उसको अपने मुताबिक कन्विंस करना होता है। ये रिस्की भी गेम भी है और एवरी डे तकरीबन कोई वर्ल्ड की जो एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कोई 15 से 16 लोगों की डेथ जो है वो घोड़े से गिर के होती है। लेकिन इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जो है इस पर ले डाउन किया हुआ है, और जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है इट बिलोंग फ्रॉम द हॉर्सेस। सबसे पहले हिस्ट्री अगर मैं आपको कोट करूँ तो हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फर्स्ट टाइम जब अल्लाह ताला को मिलने के लिए गए थे वो घोड़े पे गए थे, उस घोड़े का नाम है बुराक, ठीक है, जिसको हम शब मेराज की रात कहते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे घोड़े हैं जिनकी एग्जांपल जो है वो दी जाती है कुरान में भी और इस्लाम हिस्ट्री में भी। सो आई होप कि आप लोगों ने इससे कुछ सबक सीखा है, और मेरी ये जो लेसन मैंने आपको दिया राइडिंग का उससे कुछ बेनिफिट लिया है। कीप इन टच, और आप मज़ीद देखते रहे मैं कैसे राइडिंग करता हूँ।
Thank you.